कहानी में आनंद भी आता है और सीख भी मिल जाती है। दोस्तों, जिस तरह मैं महात्मा बुद्ध की कहानियों से मोटिवेशन फैलाता हूँ, उसी तरह आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेशन देता है। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में एक वृद्ध आदमी को देखा। वह आदमी काफ़ी दुखी प्रतीत हो रहा था। कभी वह जोर जोर से रोने लगता तो कभी जोर जोर से हंसने लगता। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पागल है। बुद्ध उस आदमी के पास गए। वह आदमी बुद्ध को देखते ही उनके चरणों में गिर गया और बोला, आज तक आपकी हर बात को नकारता था, कभी आप पर विश्वास नहीं किया, मुझे माफ़ कर दे, आप सही थे। मुझे आज यह समझ में आ गया है कि आप जो भी कहते थे वह सब सत्य था और मैंने अपने जीवन में यह अनुभव भी किया है। बुद्ध उसे लेकर आश्रम पहुँचे और उसे खाने के लिए भोजन दिया। वह व्यक्ति बेहद भूखा लग रहा था। वह खाना लेकर खाने लगा। वह आदमी एक निवाला खाता और रोने लगता। यह सब बुद्ध के शिष्य देख रहे थे। उन्होंने बुद्ध से पूछा कि इनको क्या हुआ है, क्या इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। बुद्ध कहते हैं, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जाओ उनसे ज्ञान लो। शिष्य उनके पास जाते हैं और कहते हैं, बाबा आपको क्या हुआ है, क्या आप हमें बताएंगे। वृद्ध आदमी ने कहा, कुछ साल पहले मैं महात्मा बुद्ध से मिला था, उनके उपदेश सुने थे, लेकिन मुझे वो बेकार लगते थे। मुझे लगता था वह किसी काम के नहीं है, जीवन जीने के लिए उनके उपदेश जरूरी नहीं है। मैंने हमेशा उनका विरोध किया, यहाँ तक कि उनके खिलाफ षड्यंत्र भी रचा ताकि लोग उनके बहकावे में न आए। मुझे याद है बुद्ध ने कहा था, कभी भी धन का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं यही तो करता था और उसी में मुझे आनंद आता था। पैसे उड़ाना, मदिरा पान करना, यही सब मैं करता था, जबकि मुझे मालूम था बुद्ध ने इन सब के लिए मना किया है। और मैं देखता भी था, जो लोग बुद्ध के कहे अनुसार चलते थे, बेशक उनके पास चाहे धन न हो, लेकिन वह फिर भी आनंद में रहते थे। और यही सोचकर आज मैं रो रहा हूँ कि काश मैंने बुद्ध की बात सुनी होती। मुझे याद है बुद्ध ने कहा था, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। शिष्यों ने कहा, आपके पास इतना ज्ञान है, क्या आप हमारे साथ उसे साझा करेंगे ताकि हम भी ज्ञान ले सके, जीवन को सही तरीके से जी सके। वृद्ध आदमी ने कहा, महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं आप सब, बुद्ध के समान जीवन की गहराइयों को कोई नहीं जानता, जितने सही से वे आपको बता सकते हैं कोई और नहीं बताएगा, लेकिन फिर भी मैंने जो समझा है वो आपको जरूर बताऊंगा। उसके बाद उसने कहना शुरू किया, हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि जीवन एक रेस की तरह है। जब हम छोटे होते हैं तो सोचते हैं हमारे पास हर खिलौना हो जो किसी दूसरे पर न हो, लेकिन मेरी माँ बहुत सख्त थी, वो हमेशा मुझे डांटती रहती थी, लेकिन मैं आज़ादी चाहता था और न मिलने पर मैं सोचता था कि काश मैं मर जाऊँ तो ही अच्छा है। उसके बाद मैं सोचता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो उसके बाद मुझे सारी चीज़ें और मेरी आज़ादी भी मिल जाएंगी और मैं जीवन अपने हिसाब से जीऊँगा। उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तो ये सब बातें व्यर्थ लगने लगी, लेकिन दुख अभी भी जारी था। मैं अपने मित्रों से अधिक धन कमाना चाहता था ताकि मैं हर चीज़ खरीद सकूं जिसे मैं चाहता हूं, अच्छे कपड़े पहन सकूं, अच्छा घर बना सकूं, उन्हें दिखा सकूं कि मैं उनसे अधिक हुनरमंद आदमी हूं। उसके लिए मैंने षड्यंत्र रचे, झूठ बोला और लोगों को धोखा भी दिया, लेकिन ये सब करते हुए मुझे जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। कुछ समय बाद मेरे माता पिता ने मेरा विवाह एक लड़की से कर दिया जो काफ़ी सुंदर थी और उसकी हर बात मुझे अच्छी लगती थी। मेरा वो हर चीज़ में साथ देती थी, लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद भी मुझे कोई संतान नहीं हुई। कुछ समय बाद
वो दिन भी आ गया जब मेरा एक पुत्र हुआ और मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन कुछ समय बाद मुझे यह लगा कि काश मेरा एक और बेटा होता तो मेरे दोनों कंधे मजबूत होते और ईश्वर ने मेरी बात सुन ली। मुझे एक और पुत्र हुआ, सब अच्छा लग रहा था, मेरा व्यापार भी आगे बढ़ रहा था। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है जो तुम इतने सफल हुए हो। तुम्हारे माता पिता ने तो कुछ नहीं किया और वैसे भी उनकी उम्र हो गई है, उन्हें तीर्थ यात्रा पर चले जाना चाहिए। मुझे उसकी कहीं हर बात अच्छी लगती थी और सही भी लगती थी। जब मैंने पिता से इस बारे में कहा तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि मुझे ये बात पसंद नहीं आई, और उसके बाद से मुझे मेरे पिता की कहीं हर बात गलत लगने लगी। वो मुझे व्यापार में भी स्वतंत्र निर्णय नहीं लेने देते थे। मुझे अब आज़ादी चाहिए थी और ईश्वर ने मेरी बात सुन ली। मेरे पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। वैद ने जवाब दिया कि जिसे मिलाना चाहते हो मिला लो, अब समय ज़्यादा नहीं बचा है। मुझे यह सब सुनकर दुखी होना चाहिए था, लेकिन मैं अंदर से मन ही मन में खुश हो रहा था कि अब मैं आज़ाद हो जाऊँगा। मेरे पिता को इस अवस्था में 6 दिन निकल गए थे, सब लोग उनसे आकर मिल चुके थे। उसके बाद एक दिन मैं और मेरी पत्नी उनसे मिलने गए तो मेरी पत्नी ने कहा, तुम जल्दी से मरते क्यों नहीं हो? मुझे मेरी पत्नी की हर बात सही लगती थी कि वो हमेशा सही कहती है। अगले दिन जब मैं पिता के कमरे में गया तो देखा कि उनकी मृत्यु हो गई है। मेरी माँ वहाँ अकेले बैठी रो रही है, उन्हें देखकर मुझे भी रोना आ गया। और तब मैंने सोचा कि मैं अपने पिता की अंतिम यात्रा बेहद शानदार निकालूंगा ताकि सबको पता चले कि मैं उनसे कितना प्यार करता था, और मैंने वही किया। पिता की अंतिम यात्रा बेहद अच्छी निकाली, सभी ने उसकी प्रशंसा की। मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन चेहरे पर दुख के भाव दिखाने पड़ रहे थे। अब मैं आज़ाद था, हर चीज़ अपने हिसाब से कर रहा था। मुझ में अधिक धन कमाने की इच्छा जाग गई थी, मैं बेहद धन कमाने की ओर भी चल दिया और कमाया भी। मैं अपने घर का सबसे अमीर आदमी बन गया। धीरे धीरे समय बीतता गया, मेरे दोनों बेटों की शादी हो गई और मैं बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन दौड़ अभी बाकी थी। मैंने अपने दोनों पुत्रों का विवाह बड़े व्यापारियों की बेटियों से कर दिया ताकि मुझे व्यापार में और ज़्यादा लाभ मिल सके। धीरे धीरे उम्र बढ़ती चली गई और बुढ़ापा आता चला गया। एक दिन मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई और तब मुझे पहली बार अकेलेपन का एहसास हुआ। तब मैंने बुद्ध के बारे में सुना और मैं उनके उपदेश सुनने के लिए उनके आश्रम चला गया। लेकिन बुद्ध के विचार मेरे विचार से अलग थे, मैं उनसे सहमत नहीं हुआ। मेरी तरह वहाँ और भी और लोग थे जो बुद्ध के विचारों से सहमत नहीं थे। मुझे वे लोग मेरे शुभचिंतक लगते थे और मैंने बुद्ध की बात नहीं सुनी। धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरी तबीयत खराब होने लगी और मैंने बिस्तर पकड़ लिया। मैंने बड़े से बड़े वैद्य को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन मेरा बड़ा बेटा मेरे पास आया और बोला, पिताजी अब आपसे काम नहीं होता है, व्यापार आप मुझ पर छोड़ दीजिए और छोटे भाई की भी चिंता मत कीजिए, मैं उसे संभाल लूँगा, आप सारा व्यापार मेरे नाम कर दो। मैंने अपने पुत्र से कहा, अभी मैं मरने वाला नहीं हूँ, बस बीमार हूँ, जल्द से ठीक हो जाऊँगा। उसके बाद मेरा दूसरा बेटा एक दिन मेरे पास आया। उसने कहा, पिताजी आपको तो पता ही है बड़ा भाई नशा करता है, आप सब कुछ मेरे नाम कर दीजिए, मैं आपके व्यापार को आगे बढ़ाऊँगा। मैंने अपने दूसरे बेटे से भी यही कहा कि मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ, बस केवल बीमार हूँ और जल्द ही ठीक हो जाऊँगा, अभी तो मुझे और जीना है। लेकिन इस बार ईश्वर ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और वैद्य ने मेरे पुत्रों से कहा कि जिससे मिलाना है मिला दो, समय बेहद कम है। यह सुनकर मेरी दोनों बहुएं रोने लगी। मेरे बेटों ने सभी रिश्तेदारों को बुला दिया, सब मुझसे मिलने आते और कहते कि आपके बिना अब सब कैसे चलेगा। अभी तो मैं जीवित था लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब मुझे अभी से मारना चाहते हैं और अभी से मरा हुआ मान चुके हैं। उस दिन मुझे मेरे पिता की बेबसी का एहसास हुआ और सोचा कि सब कितने स्वार्थी हैं। अब तो मेरे बेटे भी बंटवारे के लिए मेरे आगे लड़ रहे थे।
और उनकी पत्नियां उनका साथ दे रही थी कि मेरा धन कमाना किस काम आया जो मुझे ठीक ही नहीं कर सकता। मैंने बेकार में पूरा जीवन इस धन के पीछे बर्बाद कर दिया। हर गलत काम किया, नशा किया, षड्यंत्र रचा, लेकिन सब बेकार गया। आखिरकार मैंने ये सब क्यों किया? काश मुझे यह बात पहले समझ आ गई होती कि ये सब एक दिन यही रह जाना है। इससे अच्छा होता मैं कोई नेक काम करता जिससे लोग मुझे याद रखते। काश ये बात मुझे पहले पता चल गई होती। जब मेरे पिता बिस्तर पर थे तब शायद मैं कुछ अच्छा कर पाता, जीवन को नई दिशा दे पाता। मैंने दोनों बेटों को बुलाया और पूछा, मेरी अंतिम यात्रा कैसे निकालोगे? लेकिन वो मेरी बात सुनने की बजाय मेरे सामने ही मेरी जायदाद के लिए लड़ने लगे। तब मुझे लगा कि यह सब क्या है, मैंने कितनी मेहनत करी लेकिन सब कुछ पीछे छूट रहा है। जो कुछ अब मेरा है वह मेरा नहीं है और ना ही मेरा रहेगा। सब कुछ छोड़कर जाना होगा, मृत्यु मेरे सामने है। मैं सबको शमशान लेकर आया हूँ, मेरे माता पिता, पत्नी, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि एक दिन मैं भी वहाँ जाऊँगा। मैंने अपना पूरा जीवन कामयाबी से निकाला, लेकिन अब लगता है कि मैंने जीवन जिया ही नहीं। बचपन से लेकर अब तक बस थोड़ा चला आ रहा हूँ, इसी चीज में आज तक उलझता रहा, पता ही नहीं चला। और जब आखिरी समय पर सब बातें समझ में आई तो बहुत देर हो चुकी थी। ये बातें कहकर बुजुर्ग चुप हो गए और महात्मा बुद्ध के पास आकर कहा कि मेरे अंतिम समय में मुझे कुछ मिल सकता है? बुद्ध ने कहा कि बेशक तुमने अपना पूरा जीवन अज्ञानता में निकाल दिया हो, लेकिन ज्ञान का एक क्षण भी काफ़ी होता है। तुम्हारे पास अभी जो भी समय बचा है उसे ज्ञान में लगा दो। तुम्हारे पास जितनी भी सांसें हैं या फिर मौत, उसे स्वीकार करो। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो और खुशी खुशी उसे स्वीकार करो। जितना रहस्य जीवन में है उससे ज़्यादा रहस्य मौत में है। जो खुशी जीवन दे सकता है उससे भी बड़ी खुशी ज्ञान दे सकता है। केवल पूर्ण रूप से देखना, शांति के क्षण देखना, दुख मत करना, भूतकाल को भूल जाओ, गुस्से की चिंता मत करो। जो अभी है, इस समय है, इसी के साथ जियो। जो जागृति तुम्हारे अंदर आई है वह जागृति, यही ज्ञान तुम्हारी सहायता करेगा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों और प्रियजनों के साथ साझा जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में। धन्यवाद।